श्री राम 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 जय श्री राम राम। हे अयोध्या की माटी, जय श्री राम तुमसे विदा लेता है। मोरे राम 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 श्री राम 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 श्री शीघ्र चलाओ सारथी, शीघ्र चलाओ, हमें अयोध्या शीघ्र ही पहुंचना है। निषादराज, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने हमें पार उतार दिया, किंतु मुझे खेद है निषादराज कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम राजभवन से कुछ भी नहीं लाए, अब हम आपको उतराई कैसे दें? हे श्री राम, आपने अपने पांव पखारने दिए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रही, मुझे संसार का सबसे बहुमूल्य धन मिल गया। किंतु वो तो आपका स्नेह था, आपको अपने परिश्रम का मूल्य तो मिलना चाहिए। हे पतित पावन, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको घाट पार करा दिया। जब मैं आपके घाट पहुंचूं तो मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा, मैं समझूंगा मेरे जीवन भर के परिश्रम का मूल्य मिल गया। महामंत्री, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें यहां तक छोड़ने चले आए, आपने अपना धर्म निभा लिया, अब आप अयोध्या लौट जाए। मैंने अपना धर्म नहीं निभाया श्री राम, वो तो तब पूर्ण होगा जब मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का संदेश आपको सुना दूंगा। क्या है पिताश्री का संदेश? अयोध्या नरेश ने आपको संदेश और मुझे आदेश दिया है कि आप सब गंगा पार करके मेरे साथ अयोध्या लौट चले। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री? मैं ठीक कह रहा हूं श्री राम, अयोध्या से आपके बाहर निकलते ही महाराज का महारानी कैकेयी को दिया वचन कि आप अयोध्या छोड़ देंगे पूरा हो गया। रहे वनवास की बात, तो ये 14 वर्ष का वनवास तो आप अयोध्या के समीप रहकर भी पूरा कर सकते हैं। हे श्री राम, इससे मेरी आप सबसे विनती है, आप मेरे साथ अयोध्या लौट चले। आपके साथ अयोध्या लौट चलूं और समस्त संसार के समक्ष अपने प्रिय पिता के उपहास का कारण बनूं? जिस पिता ने मुझे स्वयं विद्रोह करने का परामर्श देकर नरकगामी होना भी स्वीकार कर लिया, किंतु अपने वचनों से विमुख नहीं हुए। अयोध्या लौटकर मैं ऐसे पिता का इतना बड़ा तिरस्कार कर दूं? नहीं महामंत्री, नहीं, यह असंभव है। हे श्री राम, आपकी प्रतीक्षा में
महाराज का एक एक पल काटना कठिन होगा। मेरे साथ आपको न देखकर न जाने महाराज की क्या दशा होगी। उनके लिए तो आग झपकाना भी कठिन होगा। महामंत्री, आप पिताश्री तक मेरा यह संदेश पहुंचाने की कृपा कीजिए कि यदि वो चाहे तो मुझसे मिलने वन में आ सकते हैं। हे श्री राम, महाराज की जो दशा है उसको देखते हुए कदाचित आप तक पहुंचने से। हाँ मंत्री, अपने पिता की दशा की कल्पना करते ही मेरा मन व्याकुल हो जाता है, कांप उठता है, किंतु मैं विवश हूं महामंत्री, विवश हूं मैं। ना मैं उनका वचन भंग कर सकता हूं और ना ही अपना प्राण तोड़ सकता हूं। श्री राम 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 जय। आप उन्हें जाकर समझाइए, उन्हें समझाइए महामंत्री, समझाइए। आपकी आज्ञा से विमुख होने का मुझमें साहस नहीं है, किंतु महाराज के प्राण केवल आपके दर्शन के लिए अटके हुए। यदि पुत्र प्रेम की यही आहुति एक पिता को देनी है और यदि यही नियति का लेख भी है तो राम भी इस पीड़ा को आजीवन सहेगा, किंतु 14 वर्षों से पूर्व मेरे अयोध्या लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता महामंत्री। महामंत्री, मैं जानता हूं कि समय की तुला के पलड़ों में से एक में मेरे पिता के प्राण हैं और दूसरे में उनका प्राण, और मेरे लिए मेरे पिता के प्राण के सम्मान से अधिक कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन्हें हमारा यह संदेश दे दीजिए और विदा दीजिए। राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 मोरे राम 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 श्री राम 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 श्री। चुराव के गई मेरी आंखों में देखो, क्या चाहती हो तुम? बस ये जानना कि तुमने जो किया वो उचित था अथवा अनुचित। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। क्या अपने पति को ऐसी घड़ी में ऐसा दुख देना उचित था? क्या अपने पति के वचनानुसार वर मांगना अनुचित था? क्या अपने गोद में पले पुत्र राम के अधिकार छीनना उचित था? क्या अपनी कोख से जन्मे पुत्र भरत को उसके अधिकार दिला देना अनुचित था? तुम जानती हो कि अयोध्या की प्रजा ने पुत्र राम को चुना था, और केवल इसलिए चुना था क्योंकि इस संसार में उस जैसा और कोई नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैंने अपने पुत्र भरत के हितों की रक्षा की है, मैंने माँ का धर्म निभाया, मैंने जो भी किया अपने पुत्र के लिए किया। और यदि इसी पुत्र भरत ने इसे अपने हित में ना समझा तो? तुम भली भांति जानती हो कैकेयी कि पुत्र भरत अपने भ्राता राम पर प्राण न्योछावर करता है। तुम कहती हो तुमने जो भी किया अपने पुत्र के हित के लिए किया, किंतु यदि उसी पुत्र भरत ने तुम्हें ही दोषी समझा तो क्या होगा कैकेयी? तुमने उस परिवार की एकता भंग की है जिसकी एकता की संसार सौगंध लेता था। तुमने उस पुत्र को 14 वर्षों के लिए सबकी दृष्टि से ओझल कर दिया है
जिसे एक पल देखे बिना स्वयं तुम्हें भी चैन नहीं आता था। तुमने कौशल्या और सुमित्रा के हृदय तोड़ दिए, जिन्होंने सदैव तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। नहीं कहके नहीं, तुमने सर्वथा अनुचित किया है। तुम इस पीड़ा से कभी उबर नहीं पाओगी। तुम्हारी अंतरात्मा सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी, सदैव जलती रहेगी, सदैव जलती रहेगी।